जी हम लोग एकजुट हो रहे हैं सर। अब कब होइएगा, जल्दी हो गए हैं सर। तेजस्वी बाबू भी जा रहे हैं। जी जी कल मीटिंग है वहाँ। बोलिए, ये सब अति पिछड़ा समाज के लोग हैं सर, सब मंडल सब लोग। हाँ बिहार के राजनीति के सबसे बड़े धुरंधरों में शुमार करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। आप सभी ने देखा कि लोकसभा के जब चुनाव हुए उस दरमियान जिस समीकरण के ऊपर राजद विश्वास ज्यादा करती है उस समीकरण से कहीं ना कहीं कुछ हद तक भीतरघात हुआ और धोखा मिला। मैं बात कर रहा हूँ MY समीकरण की। कई जगहों पर यादवों ने राजद को वोट नहीं दिया तो कई जगहों पर मुस्लिमों ने राजद को वोट नहीं दिया। यादव को वोट नहीं देने का कारण अगर कोई बना तो वो पप्पू यादव बने, और मुस्लिमों को वोट नहीं देने का कोई कारण बना तो वो हिना साहब बने। दोनों ही बागी हैं, एक राजद से बागी हैं तो एक कांग्रेस से बागी हैं। दोनों निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर अपने अपने क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे, एक सिवान से तो दूसरे पूर्णिया से, और इसका नतीजा ये हुआ कि कई लोकसभा क्षेत्र इन दोनों से प्रभावित हो गए। एक तरफ जहां पप्पू यादव को वोट नहीं मिलने से यादव नाराज थे, वहीं मुसलमान इस बात को लेकर नाराज थे कि हिना साहब को राजद का समर्थन नहीं मिला। इसको लेकर सबने देखा किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव के द्वारा बनाया गया MY समीकरण का साख हिल गया। लालू प्रसाद माहिर खिलाड़ी हैं, मैंने शुरू में ही कहा था, और इस हिले हुए साख को फिर से मजबूत करने के लिए लालू अब अपने नए नए चाल चलते नजर आ रहे हैं। आज लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें लालू प्रसाद यादव अपने समर्थकों से वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं और इस दरमियान एक बड़ा बयान देते हुए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर आरक्षण खत्म करवा दिया। जरा देखिए इस वीडियो की एक झलक। जी हम लोग एकजुट हो रहे हैं सर। कब होइएगा, जल्दी हो गए हैं सर। आज MLC साहब आए की बैठक करेंगे हम लोग, ये लोग भी देखेंगे ना कि हाँ इनका कार्यकर्ता है कि नहीं। तेजस्वी बाबू भी जा रहे हैं। जी जी कल मीटिंग है वहाँ। बोलिए, ये सब अति पिछड़ा समाज के लोग हैं सर, सब मंडल सब लोग। हाँ सबको आपने बैठने का सब दिया है, सब कुछ। ये प्रमुख साहब भी हैं, रिजर्वेशन भी देखिए हम लोग का खत्म हो गया, जो बड़ा था भी खत्म हो रहा है। उधर महिला सब जो कटोरी में महिला लोग हैं, ठीक प्रणाम सर, वादा कीजिए। हाँ रेस्ट लिया जाए सर। समिति साहब भी है, देखा आपने किस प्रकार से एक जगह बैठक चल रही है, उनमें अल्पसंख्यक के समर्थक हैं उनके साथ और वो वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव से। वीडियो कॉल पर बात करवाने वाले MNC बताते हैं लालू प्रसाद यादव को कि सर ये लोग अल्पसंख्यक समाज के हैं, ये सुनना था कि लालू प्रसाद कहते हैं कि आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, और उसके बाद वो कहने लगते हैं कि नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर आरक्षण को खत्म करवा दिया। तो एक ये वीडियो है, तो वहीं दूसरी अगर बात करें लालू प्रसाद यादव के जो पैतरे हैं आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए, जो अपने साख को संभाल रहे हैं लालू, उसके तहत लालू प्रसाद यादव की तरफ से एक नया एक्सपेरिमेंट है चर्चा में इस वक्त है। MY समीकरण में थोड़ा सा बदलाव करते हुए MYK समीकरण किया गया है। पहले यादवों और मुस्लिमों को साथ कर चलती थी राजद, लेकिन अब 6% वाली कुशवाहा को भी जोड़ने के फिराक में राजद लगी है। इसी को लेकर आपने देखा किस प्रकार से ज़्यादा संख्या में कुशवाहा को टिकट दिया गया था लोकसभा के चुनाव में, उसके बाद अपनी बेटी जीती हुई है लालू प्रसाद यादव की लोकसभा चुनाव, लेकिन उसके बावजूद एक कुशवाहा नेता को संसदीय दल का नेता बनाया गया। तो कहीं ना कहीं कुशवाहा वोट बैंक के ऊपर अब खेल करने की फिराक में लगे हैं लालू। हालांकि कुशवाहा वोट बैंक इस वक्त राजनीति के केंद्र में है बिहार में, हर पार्टी जो है वो उस पर डोरे डाल रही है। देखने वाली बात है कि 2025 का जब चुनाव आता है उस समय किसका कब्जा कुशवाहा वोट बैंक पर होता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा दैनिक न्यूज के साथ।
धन्यवाद।